नमस्कार सभी को। आज हम कबीर्स किचन में बनाने जा रहे हैं एक ऐसा प्रीमिक्स पाउडर जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और व्रत में या बिना व्रत के आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जिसमें साबुदाना बहुत ही कम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लेंगे हम 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और ये है समक के चावल जिसे सैमो राइस बोलते हैं, व्रत के चावल बोलते हैं, भगर, मोरधन, वरीछा भात। तो ये इसे हम व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम लेंगे 2 कप और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें लो टू मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट करना है कुछ मिनट के लिए, ये ताकि बस मॉइस्चर इसका उड़ जाए, आसानी से पिस जाए। इसमें मैंने 2 चम्मच साबुदाना और डाला है, तो आप भी ऐड कर लीजिए और ड्राई रोस्ट कीजिए। बस हमें इसका मॉइस्चर हटाना है ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब इसे मिक्सी जार में लेंगे, उसमें डालेंगे हम सेंधा नमक और फिर इसे पीस कर पाउडर बना लेंगे। अब ये जो पाउडर बना है इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं महीनों भर और इससे निकाल के तुरंत आप उपास के लिए बना सकते हैं, जैसे इडली, ढोकला और कटलेट, वड़े, चीला। मैं अप्पे बनाने जा रही हूँ अभी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मूंगफली ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ये बहुत सारी है, हमें सिर्फ 2 चम्मच ही है। मैं ज़्यादा इसलिए स्टोर करके रख लेती हूँ कई बार, तो ये 2 चम्मच मैंने पीस कर बना लिया है पाउडर मूंगफली का। अब ये जो हमने प्रीमिक्स बनाया था समक के चावल का, उसे हम लेंगे 1 कप, 2 चम्मच उसमें डालेंगे पिसी हुई मूंगफली और 1/4 कप डालेंगे दही फ्रेश कर्ड और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी मिलाकर। तो एक मोटा सा घोल बनाना, बहुत पतला नहीं बनाना है, तो थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे घोल कर ढक कर रख देंगे हम इसे आधे घंटे करीब। और फिर इसमें डाल लेंगे हम कच्चे आलू को ग्रेट करके कद्दूकस करके डाल लेंगे। आप और भी सब्जियां डाल सकते हैं जो आप उपवास में खाते हैं। फिर 1/2 चम्मच इसमें डालिए जीरा, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, धनिया काट कर बारीक और ये 1/2 इंच करीब का अदरक है जिसे भी मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ। फिर डालेंगे हरी मिर्च, अगर आप इसमें लाल मिर्च पाउडर खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अगर इसमें पानी थोड़ा सा कम पड़े तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए तो हमारा ये बनकर बैटर तैयार हो गया है। अब हम अप्पे के साँचे पे ग्रीस कर लेंगे तेल। सब में तेल लगा लीजिए और फ्लेम को अभी हाई रखिए और जैसे ये गर्म हो जाए फ्लेम को लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर हम डालेंगे ये बैटर। 1-1.5 चम्मच जितना भी आपके उसमें आ जाए तो आप डाल लीजिए सब में और फिर इसे हम ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट। और फिर हम तब तक चटनी बना लेते हैं। तो टमाटर लेंगे, बहुत सिंपल सी चटनी बनाएंगे, इसमें हरी मिर्च, जीरा, सेंधा नमक और धनिया पत्ती, बस ये डाल करके हम पीस लेंगे। तो ये चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तब तक हम देखते हैं अप्पे का क्या हुआ है। तो 3 से 4 मिनट बाद ये नीचे से ब्राउन हो जाएंगे और इन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकाल कर पलट लीजिए और पलटने के बाद हमको फिर से इसे ढककर पकाना है कम से कम 5 मिनट और। तो ये पक चुके हैं, ये बहुत बढ़िया है। आप इसे हरी चटनी के साथ खाइए, चाहे तो आप दही के साथ खा सकते हैं या कोई भी चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं और ये थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा साबुदाना के अलावा उपवास में। ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।